तो बच्चों आज हम स्पेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए, सीडी चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, टेप चाहिए और पेन चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा जो ये राउंड पाइप की तरह दिखने लगे। अब इसे हम टेप से फिक्स कर लेंगे, इस तरीके से हम टेप से कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इन दोनों कवर को ब्लैक पेपर से कवर करना है। इसके लिए हम मेजरमेंट लेकर इसको राउंड सर्कल में कट कर लेंगे। इस तरीके से राउंड सर्कल कट गए। अब हमें एक में लाइट के घुसने के लिए एक पतली सी स्लिट काटनी है एक तरफ, तो वो हम काट लेते हैं। बहुत ही पतली स्लिट काटनी है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हम काट लें। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद हम पतली सी स्लिट काट देंगे। कुछ इस तरीके से हमें स्लिट दिखेगी, दिख रही है आपको? कुछ इस तरीके से हमें स्लिट दिखेगी। अब इसे हमें दोनों तरफ फिक्स कर देना है। आइए चलते हैं, फिक्स टेप की हेल्प से फिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको फिक्स कर दिया है और यहाँ से भी फिक्स कर दिया। यहाँ से स्लिट बस दिखाई दे रही है जिसमें कि लाइट एंटर करेगी। बाकी आपको ध्यान रखना है कि आप हर जगह से इसको कवर कर दें ताकि इसमें लाइट ना जाए। अब आपको क्या करना है, जिधर स्लिट कटी है उसके अपोजिट यानी कि नीचे हमें क्या करना है, एक स्माइल बनानी है जिसमें हमें सीडी को फिक्स करना है। जिधर से साइड बंद है उधर से हमको स्माइल बनानी है पर उल्टी। इस तरीके से हम स्माइल बनाएंगे, आपको उल्टा स्माइल बनाना है। लगभग 45 डिग्री का एंगल बन जाए ऐसा हमको बनाना है। और इसके अपोजिट हमें क्या बनाना है, जहां पे हमने स्माइल बनाया है उसके अपोजिट हमको ऑब्जर्वेशन के लिए आईपीस बनाना है। आईपीस यानी जहां से हम देख सकते हैं। इन दोनों को हम कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के लिए हम सीजर का इस्तेमाल करेंगे और कट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना। अभी हम इसे कट करते हैं। इस तरीके से हम जहां पे हमने स्लिट काटी थी उसके अगेंस्ट, जहां पे हमने स्लिट काटी थी उसके अगेंस्ट हम सीडी लगाएंगे। और एक आईपीस हमने यहाँ पे बनाया है जिससे कि हम लाइट को विजिबल कर सकते हैं, हम लाइट को देख सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को। अब इसमें जो हमें दिखता है वो हमें क्यों दिखता है, क्योंकि जो हमारी लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है और इस स्पेक्ट्रोमीटर में देखने पर वो अपने वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी से आप समझ सकते हो जिस कलर की लाइट की जितनी स्पीड होती है वो उस हिसाब से अरेंज हो जाती है। या आप समझो कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप सारे एक जैसे लगते हो, लेकिन जब आप स्कूल में ही अपने हाउसेज में जाते हो तो अलग अलग कलर की टी शर्ट पहनते हो। उसी तरीके से ये लाइट भी इस सी डी से रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग कलर में बढ़ जाती है और वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको इसको आँख के अगेंस्ट ले जाना है, आँख के अगेंस्ट ले जाना है और फिर देखना है लाइट। आप थोड़ा ऊपर नीचे घुमाएंगे तो आपको आपको इस स्लिट में सोर्स में लाइट मिलेगा जिसकी वजह से आप इसके स्पेक्ट्रम को विजिबल कर सकते हैं। इसके अंदर का व्यू आपको दिख रहा है, लाइट अलग अलग पैटर्न में आपको नजर आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे घर पर बनाएंगे और इस तरह के स्पेक्ट्रम को आप अपने ट्यूब लाइट के स्पेक्ट्रम को, आप अपने CFL के बल्ब के लाइट के स्पेक्ट्रम को देखेंगे और मुझे भेजेंगे। थैंक यू।